फाइनली एनिमल थिएटर में रिलीज हो चुका है। इस मूवी का हाइप उतना ही खतरनाक है जितना एक टाइम पे आदि पुरुष का था। साथ ही डायरेक्टेड बाय रेडी वांगा, जिनकी क्रिएटिविटी इस मूवी में बेशक देखने को मिलती है लेकिन एक अलग अंदाज में। वहीं रणबीर कपूर इस मूवी का जान है। इनडायरेक्टली दिस मूवी बेस्ड ऑन गैंग वॉर, बट डायरेक्टली दिस मूवी इंडिकेट मैडनेस लव टुवर्ड्स फादर। बाप बेटे की कहानी, पति पत्नी की जवानी और दुश्मनी की निशानी, कुछ अनएक्सपेक्टेड सीन देख के बोलोगे जय मां भवानी। तो भाई लोग क्या हालचाल एंड वेलकम टू माय चैनल। वीडियो में बने रहें, डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। कोरोना भाई एनिमल स्टारिंग रणबीर कपूर, रश्मिका मंदाना, अनिल कपूर, बॉबी देओल, शक्ति कपूर और दो चार लोग। इस मूवी को देखने के बाद ऑडियंस सिर्फ एक चीज बोल रही है, मजा आया। इस मूवी की कहानी में जान तो है लेकिन बाप बेटे का सीन और जो ट्विस्ट और टर्न्स हमें देखने को मिले हैं लिटरली अनएक्सपेक्टेड था। वहीं फैमिली के सेंटिमेंट, इमोशन बिग रोल प्ले करते हुए नजर आती है। वहीं ऑडियंस का दूसरी तरफ ये भी मानना है कि रश्मिका मंदाना को रोस्ट करना चाहिए फॉर एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस। ऐसा क्या कर दिया इंडियन क्रश ने? वैसे भी कुछ समय में इंडियन ये नामक देश एग्जिस्ट ही नहीं करेगा बिकॉज भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इस मूवी का सबसे अट्रैक्टिव चीज और लोगों के अनुसार इससे अच्छी चीज मूवी में है ही नहीं, वो है एक्शन सीक्वेंस जो फुल ब्रूटल लेवल की वाइब देती है। 200 रुपया वसूल। मशीन गन वाला सीन और उसके इर्द गिर्द की कहानी बोले तो गजब लेवल की वाइब दे रही है। इस मूवी की लेंथ काफी लंबा है जिसके कारण ऑडियंस के चेहरे में नींद देखी जा सकती थी। बहुत सारे ऐसे सीन है जो लो लेवल की वाइब देती है क्योंकि बचपन से जवानी फिर बुढ़ापा की कहानी सब हमें देखने को मिलता है। वहीं रणबीर कपूर का साइकोपैथ का रोल और बाप के लिए पागलपन, दोनों ही चीज अट्रैक्टिव और कंफ्यूजन पैदा करने वाली चीज थी। मतलब ऑडियंस को खाक नहीं समझ रहा कि भेस की टांगे हो क्या रहा है लेकिन कहानी समझा जा सकता है कुछ कुछ हिस्सों में। वहीं बॉबी देओल का लुक और एक्टर परफॉर्मेंस दोनों ही अच्छा है। व्यक्तिगत तौर पे बोले तो भाई साहब बॉबी देओल मुझे गांडू लगता है लेकिन यहाँ पे जो इसका एक्टर परफॉर्मेंस है, एक परफेक्ट विलन है या झिंगूर है, आप ये मूवी देख के आपको पता चल जाएगा। इस मूवी को अगर सिंपल वर्ड में बोलूं तो भाई साहब लिटरली एक पागलपन मूवी है। वहीं एक्टरों का एक्टर परफॉर्मेंस गिविंग इनक्रेडिबल लेवल ऑफ वाइब। डायलॉग की कुछ पार्ट बहुत ज्यादा ह्यूमरिस्टिक अंदाज में नजर आती हैं जिसे पब्लिक इंजॉय करती है और उनका जो शकल है एकदम चिंपैंजी जैसा हो जाता है हंस हंस के। अकॉर्डिंग टू ऑडियंस ये मूवी फुल इंगेजिंग है कुछ चीजों को छोड़ने के बाद। अब पता नहीं वो क्या सारी चीजें हैं। इस मूवी का सेकंड हाफ कंपेयर टू फर्स्ट हाफ बवाल लेवल की एक्सपीरियंस देती है। तो क्या ये मूवी कुछ कबाड़ पाएगी वो आने वाले समय में पता चलेगा। इस वीडियो को ऑडियंस के रिएक्शन, इमोशन और उनके हाव भाव को एनालाइज करके बनाया गया है। मतलब ये सिर्फ एक एक्सपेक्टेड वीडियो है जो कि रियल है। इसका ओरिजिनल रिव्यू आपको जल्दी इस चैनल में देखने को मिलेगा। सो होप गाइस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूले और बताएं कि आप एनिमल के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो। शुक्रिया।